सर्जरी कौन सी करानी थी? मैमोप्लास्टी। ओ क्यों हुंदी है? संतरे नु कलिंगड़ बनाऊं। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे खेल खेल में के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि फिल्म का बजट कितना, फिल्म को कितने स्क्रीन्स में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये फिल्म अक्षय कुमार की इस साल की उनकी तीसरी फिल्म है। इस फिल्म से पहले उनकी बड़ी मियां छोटी मियां और सरफिरा भी आई थी और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस में सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। खेल खेल में फिल्म के भी चलने की कमी चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि इस फिल्म के सामने स्त्री 2 है जिसका क्रेज अल्टीमेट लेवल का है। वहीं साथ में वेदा फिल्म भी रिलीज हुई है। हालांकि फिल्म के पास अच्छा समय है कलेक्शन करने का, अगर रिव्यूज पॉजिटिव आते हैं तो फिल्म चल सकती है। दोस्तों ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, एमी विर्क, तापसी पन्नू, वाणी कपूर, फरदीन खान, प्रज्ञा जायसवाल और आदित्य सील नजर आए। इस फिल्म से फरदीन खान ने काफी लंबे समय बाद कमबैक किया है। उनकी आखिरी रिलीज हुई फिल्म दूल्हा मिल गई थी जो 2010 में रिलीज हुई थी। हालांकि 2024 में फरदीन खान ने हीरा मंडी सीरीज में काम किया था जो नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई थी। खेल खेल में इस फिल्म को मुदस्सर अजीज ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी है जिन्होंने हैप्पी भाग जाएगी, पति पत्नी और वो जैसी कई फिल्मों को डायरेक्ट किया था। बात करें रनिंग टाइम की तो ये फिल्म 2 घंटे 14 मिनट लंबी फिल्म है। वही बात करें स्क्रीन काउंट की तो इस फिल्म को इंडिया में लगभग 1500 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है तो ओवरसीज में लगभग 600 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है। यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 2100 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है। बात करें बजट की तो दोस्तों इस फिल्म का बजट तकरीबन 125 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। और बात करें पहले दिन की कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने पहले दिन में इंडिया में लगभग 7 से 10 करोड़ के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में लगभग 12 से 15 करोड़ के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।